बारहवीं के बाद करियर की दिशा किस ओर ले जाए, इस सवाल से हर कोई गंभीर हो जाता है। इसी बात के मद्देनजर महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं डीटी आरओ के संयुक्त तत्वावधान द्वारा जिज्ञासा कार्यक्रम अंतर्गत व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ इस काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में टीसीएस के सेंटर हेड अरविंद कुमार, साथ ही डीटीओ आरओ के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर सचिन सोलंकी ने मौजूद छात्राओं को अभियांत्रिकी शिक्षा में पदार्पण एवं उन्नत प्रदर्शन के विषय में मार्गदर्शन किया, जहां उन्होंने बताया कि सखोल अध्ययन एवं कड़ी मेहनत ही आपको जीवन में सफल बना सकती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि कर्वे एवं बाया कर्वे की प्रतिमा को माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कार्यक्रम से हुई, जहां मौजूद प्रमुख अतिथि टीसीएस सेंटर हेड अरविंद कुमार एवं डीटीओ आरओ के जॉइंट डायरेक्टर सचिन सोलंकी समेत प्रबंधन सदस्य हेमंत अम्बाशिलकर और कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्राचार्य मिलिंद खानापुरकर आदि ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की, जहां मौजूद शिक्षकगण और छात्राओं ने आश्रम गीत गाकर वातावरण प्रफुल्लित कर दिया। इस समय टीसीएस सेंटर हेड अरविंद कुमार ने मौजूद छात्राओं को मार्गदर्शन किया, साथ ही बीसीएन के माध्यम से उन्होंने विदित किया कि अभियांत्रिकी में विभिन्न शाखाएं जिससे दिशा भ्रम ना करते हुए अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन करें ताकि आप अच्छा प्रदर्शन करें। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक द कमिंस कॉलेज दैट इट हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस पर्टिकुलर इवेंट वेयर बाय द यंग माइंड्स immediately after 12th, there's a lot of confusion, what to do, which stream to choose. And this is a privilege that all the students are getting, whereby the experts from the different fields who are coming and actually clarifying all those doubts. So that way I would like to congratulate the Cummins College and as well as all the participants who have shown the interest to come here and get those questions clarified. And क्योंकि if you look at the world of an engineering is not that simple. There are so many streams. Minimum 11, 12, 13, 14 streams तो होते ही होते हैं. बहुत सारी confusion होता है कि हमको computer science चाहिए लेकिन interest mechanical में है, right? हमें mechanical चाहिए लेकिन हम electronics में जाना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ दोस्तों ने कहा कि electronics में ज़्यादा scope है. So a lot of such kind of a questions are there and such kind of an events helps in resolving some of those queries, confusions, and that is extremely important because that's how actually it determines how actually my next 4 years going to be. So I would like to thank the institute and thanks the institute for inviting me as well and to be a part of such kind of event. Thank you. इस समय जानकारी देते हुए डीटीओ आरओ के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर सचिन सोलंकी ने छात्राओं को मार्गदर्शन करते हुए बताया कि वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकना है तो उत्कृष्ट प्रदर्शन की फील्ड और कड़ी मेहनत करना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि कम अंक मिलने पर डरने की आवश्यकता नहीं है, आगे काफी अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया के विषय में बताया तो वही बीसीएन के माध्यम से उन्होंने दरख्वास्त की कि जल्द ही एडमिशन के चक्कर में अपने ओरिजिनल दस्तावेज किसी भी कॉलेज में संग्रहित ना करें और सुरक्षित रहे ताकि आप किसी फ्रॉड का हिस्सा ना बन सके। मैं तो बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप जो भी करते हो है ना, ठीक है, केयरफुली करो क्योंकि आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं और किसी के कोई बहुत सारे कॉलेज से डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को मत दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आप एंटर करते हो आप एंटर प्रॉपरली करो, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो अपने पास रखो, आप किसी को दी मत दो। कमिंस कॉलेज ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मुझे बुलाया है, अरविंद कुमार जो सेंटर हेड है टीसीएस के उनको बुलाया है, तो एक एकेडमिक्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एक प्रोग्राम करना चाहिए वो कमिंस कॉलेज ने किया है। इस समय कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन के प्राचार्य मिलिंद खानापुरकर ने संपूर्ण कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी, जहां उन्होंने 12वीं में उत्तीर्ण छात्राओं का अभिनंदन किया। सर्वप्रथम मैं पहले महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थे तर्फे आणि आमच्या कमिंस महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय तर्फे सर्व 12वी पास झालेल्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींचे आणि त्यांच्या पालकांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो। आणि आम्ही हा जो कार्यक्रम जिज्ञासा नावाचा कार्यक्रम आम्ही जो ऑर्गनाइज केलेला आहे इन असोसिएशन विथ जॉईंट डायरेक्टर्स ऑफिस ऑफ डीटीई रिजनल ऑफिस नागपूर, तर या कार्यक्रमामध्ये आम्ही अजून कॅबची राऊंड तशी कॅबची प्रोसेस तशी अनाऊन्स व्हायची आहे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्रातर्फे, पण एक सर्वांना एक थोडीशी कल्पना यावी की
काय प्रोसेस लाइकली टू बी आहे आणि त्याच्यानंतर इंजिनिअरिंगमध्ये काय काय ॲस्पायरंट अपकमिंग फील्ड्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये कसं आपण करिअर घडवू शकतो या अनुषंगाने मी हा कार्यक्रम या कॅम्पसमध्ये घेतलेला आहे. दरवर्षी आम्ही असे कार्यक्रम घेतो आणि जे 12वीनंतर जे विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना एक महत्त्वाचे प्रश्न असतात ते प्रश्न या अनुषंगाने मी त्याचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो. त्यासाठी आम्ही आपल्या शहरातील इंडस्ट्रीमध्ये असलेले नामांकित व्यक्ती बोलवतो आणि आजच्या कार्यक्रमामध्ये TCS सेंटर हेड नागपूरचे श्री अरविंद कुमार सर होते, तसेच जॉईंट डायरेक्टर डॉक्टर सोळंकी सर, त्यांनी आपलं मार्ग मुलांचं आणि विद्यार्थ्यांचं आणि त्यांच्या पालकांचं एक मार्गदर्शन केलं. सोबत बऱ्याचशा पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांना असलेले प्रश्न विचारले, त्या प्रश्नांचं उत्तरसुद्धा समाधानकारक सर्वांनी मान्यवरांनी दिलं आणि विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी एक समाधान व्यक्त केलं की आम्हाला जे काही प्रश्न आहेत ते आम्ही हे करू. यासोबत मी सर्व विद्यार्थिनी आणि पालकांना अजून एक विनंती करू इच्छितो की फक्त या कार्यक्रमापुरतंच नाही तर काही जरी त्यांना पुढे कॅबच्या राऊंडमध्ये किंवा कुठेही काही प्रश्न आलेत किंवा काही अडचण आली तर त्यांनी निसंकोचप्रमाणपणे आम्हाला कधी पण संपर्क करावा जेणेकरून आम्ही त्यांना एक योग्य मार्गदर्शन करून त्यांचं एक दिशादर्शक एक काहीतरी आम्ही त्यांना हे करू शकू. आणि त्यांचा जो हा ॲडमिशनचा प्रवास आहे जो थोडासा एक कॉम्प्लिकेटेड असतो तो आम्ही त्यांना एक चांगला करून देऊ असे आम्ही तुम्हाला कळत देतो. धन्यवाद पुन्हा UCN चे आणि PCN चे सुद्धा आभार की त्यांनी आम्हाला या माध्यमातून एक लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा एक मार्ग दिला. धन्यवाद. कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट. 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजेनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप. आज ही प्रवेश ले कमिंस. ब्रांच कुठलीही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर.